तेंदुए के पकड़े जाने के बाद भी जू और वन विभाग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि रेस्क्यू किए गए तेंदुए के जेंडर को लेकर कई सवाल अब उठने लगे हैं। इंदौर जू से पिंजरा तोड़कर भागे गए तेंदुए के पकड़ाने के बाद वन विभाग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग अब तेंदुए के जेंडर को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। तेंदुआ जब फरार हुआ था तब ये कहा गया था कि मादा तेंदुआ फरार हुआ, लेकिन रेस्क्यू के बाद जिस तेंदुए को पकड़ा गया है वह नर तेंदुआ था। जू और बुरहानपुर के फॉरेस्ट विभाग के अफसरों की बातचीत में लगातार मादा तेंदुए के फरार होने का जिक्र हुआ था। वहीं जब तेंदुआ भागा तब वन विभाग मादा तेंदुए के अगले पैरों में चोटिल होने की बात कर रहे थे, लेकिन रेस्क्यू के बाद पकड़े गए तेंदुए के पिछले पैरों में पैरालिसिस होने की बात कही जा रही है। देखिए जू के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने इस मामले में क्या कुछ कहा। जिस तरह से हम लोगों ने उसको चेक किया, उसको ऑब्जर्व किया, तो वो मेल है, वो मेल लेपर्ड है। हो सकता कहीं ना कहीं किसी लेवल पर कुछ गलतफहमियाँ हुई हो या कुछ, लेकिन ये मेल है और करीब करीब 7-8 महीने के एज ग्रुप का है। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स ये, तो उसका फॉरेस्ट ही जवाब व्यवस्थित रूप से दे पाएंगे कि क्यों किन परिस्थिति कैसे क्या हुआ है। जब तक जेंडर को लेकर जो हमने जो चेक किया यहाँ पे वो तो मेल, अब वहाँ पर क्या हुआ इसका बेहतर जवाब। वही मामले में जब वन अधिकारी से तेंदुए के जेंडर परिवर्तन के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर की गलत रिपोर्ट की बात कहते हुए वह नजर आए। अभी हेल्थ पैरामीटर्स में काफी इंप्रूव है। कल जैसे कि जब पकड़े थे तो ये डिहाइड्रेटेड था और लगभग जैसे कि स्टार्वेशन की स्थिति थी, तभी जैसे कि हमारा हाइड्रेशन पैक्स लग गए हैं तो उसका जो क्राउलिंग है, मूवमेंट्स हैं और जो लेग मूवमेंट्स हैं, टेल मूवमेंट्स हैं, धीरे धीरे दिखने लगा है। ये जो यंग कब्स होते हैं उसमें वो सेक्सिंग जो है जेंडर की बात है तो वो बहुत क्लियर नहीं रहता है, और क्योंकि वो बुरहानपुर में उसको सेडेट नहीं किया था, बेहोश नहीं किए थे, तो उसको जो भी वो दूर से देख के ही पिंजरे के अंदर से देख के अनुमान लगाया गया होगा। क्योंकि कल हमने जो वेटनरी डॉक्टर वहाँ पर देखे थे उनसे भी संपर्क करने के लिए कोशिश की, तो उनका भी यही कहना था कि हमने अनुमान के आधार पर लिखा था, बट क्योंकि कोई भी सेक्स देखने के लिए इतने छोटे बच्चों में उनको हाथ से टच करके देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता है। और यहाँ पर क्योंकि हमने सेडेट कर लिया, उसको नज़दीक से देख रहे हैं, छू के भी देख रहे हैं, तो अभी ये स्पष्ट हो गया। जल्दी पहले बुरहानपुर से जो डॉक्टर वहाँ पर भी वेटनरी डॉक्टर ही देखे थे, तो वेटनरी डॉक्टर एक अनुमान था, वो मुझे लग रहा है कि बेहतर यही होता है कि एक अनुमान था और उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं। इस पूरे मामले में पूर्व महापौर ने वन विभाग और जू प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। वन विभाग की लापरवाही के चलते लोगों की जान पर बनाई है। बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, क्योंकि जिस तरह से इंदौर की जनता एक खोफ में जी रही थी जब तक तेंदुआ नहीं मिला, तो वास्तव में ये लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है। जिस प्रकार से तेंदुआ आना, फिर गायब हो जाना और नाटकीय ढंग से फिर मिल जाना, ये एक जो हुआ है एपिसोड, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही, दोनों एक दूसरे पर ढोल रहे हैं। लेकिन इससे जनता के बीच में जो एक डर बना हुआ था या कुछ भी हो सकता था, उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, पूरी तरह से अधिकारी जिम्मेदार। वो मैंने भी आज पेपर में पढ़ा है, क्या कहानी है ये मुझे पूरा मालूम नहीं है, लेकिन जो भी हो वो लापरवाही का एक नमूना है। गौरतलब है कि वन विभाग और जू प्रबंधन की लापरवाही के चलते तेंदुआ फरार हुआ था, जिससे लोगों में दहशत छा गई थी, लेकिन वही अब तेंदुए के जेंडर को लेकर वन विभाग की दूसरी लापरवाही भी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।